वेलकम बैक टू NTP दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह आप एक प्रोफेशनल गिग बना सकते हैं जिसके ऊपर ऑर्डर आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिंपली आप फाइवर के ऊपर जाएंगे, जैसे ही आप अपने अकाउंट में गिग क्रिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको इस तरह की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो ओवरव्यू आएगा, ओवरव्यू के अंदर हम डिटेल डालेंगे। उसके बाद जो है वो और भी ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइजिंग है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट है, उसके बाद गैलरी और उसके बाद पब्लिश। तो ये 6 स्टेप हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले है हमारा आता है गिग टाइटल। अच्छा जी, अब हमने जो है वो टाइटल लिखना है। गिग का टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिखने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज मतलब दे रहे हैं, यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ कि मैं ड्रॉप शिपिंग की सर्विस दे रहा हूँ अमेज़ॉन टू ईबे। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है, फाइवर के ऊपर आना है, जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने अमेज़ॉन टू ईबे लिखा है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर आपको मिल जाएंगे, इनकी जो टाइटल हैं वो आपने कॉपी कर लेना है। जो टॉप रेटेड सेलर हैं उनका टाइटल आप कॉपी करके लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत एक दो वर्डिंग की जो है वो आप उसके अंदर चेंजिंग कर दीजिए और वो टाइटल आप लिख दीजिए। यहाँ पर जो है वो 80 वर्ड का आप टाइटल लिख सकते हैं, तो आप जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा है। 60-65 वर्ड में भी यहाँ पर जस्ट ओके, अगर जस्ट परफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है नीचे तो उसका मतलब है आपका टाइटल जो है वो परफेक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पर बिज़नेस लिख दिया है हमने, आप कोई भी कैटेगरी लिख सकते हैं जो भी आप सूटेबल समझते हैं। और उसी तरह मैंने यहाँ पर ई कॉमर्स मैनेजमेंट लिखा है, आप कि अगर कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हैं SEO या ग्राफिक वगैरह जो भी आप दे रहे हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और उसके अलावा जो है वो जब आप ऊपर टाइटल लिखेंगे तो आपको सजेस्टेड वीडियोस भी, सजेस्टेड कैटेगरी भी बता देगा, उसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आगे चलें, यहाँ पर ये बता रहा है सर्विस टाइप। अब देखें, मैंने जो डिटेल डाली है उसी हिसाब से ये सर्विस टाइप के ऑप्शन मुझे दे रहा है। यहाँ पर ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट के ऊपर मैंने जो है वो क्लिक कर दिया है। जो भी आप टाइटल डालेंगे, डिटेल डालते रहेंगे, आगे जो है वो उसी हिसाब से आपको ऑप्शन ये खुद देता रहेगा, तो ये आपके लिए और ईजी होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो गिग मेटा डेटा, यानी कि गिग की जो है वो हमने सारी चीज़ें जो है वो मज़ीद बतानी है। अब यहाँ पर इंडस्ट्री क्या है आपकी, तो आप किस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। यहाँ पर सिंपली आप जो है वो कोई सी भी अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी इंडस्ट्री गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि ये मेरे सर्विसेज दे रहा हूँ मैं और इसकी जो है वो इंडस्ट्री जो है वो क्या बनेगी, ये आप कमेंट के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, अगर यहाँ पर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप अदर में भी टिक करके वो सर्विसेज लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आप काम कर रहे हैं, तो मैं ईबे के ऊपर काम कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी तक ईबे का ऑप्शन डाला नहीं था, मगर देखें इसने खुद जो है वो सारे ऑप्शन मुझे दिए हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस, अमेज़ॉन और बहुत सारी जो है वो प्लेटफॉर्म इसने दिए हैं। मैंने उसी हिसाब से जो है वो सिलेक्ट इसके अंदर ईबे को करा है। देखें काफ़ी सारी आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे जिस भी कैटेगरी के अंदर आप अपनी गिग बना रहे होंगे। लैंग्वेज के अंदर हमने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है, इसके अलावा हम अदर लैंग्वेज करके और भी चीज़ें, और भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो इसमें नहीं आ रही हो फिर भी आप बेहतर ये है कि इंग्लिश को ही सिलेक्ट करें। अच्छा जी, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्च टैग्स। टैग्स आपने यहाँ पर 5 टैग आप लिख सकते हैं, किस तरह लिखना है ये टैग आपको, उसका बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह हमने लोगों की प्रोफाइल सर्च करी थी, जो टॉप रेटेड प्रोफाइल्स थी उनको जो है वो हमने जब स्क्रॉल डाउन करा खोल के, यानी कि उनकी गिग को जब स्क्रॉल डाउन करा है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको रिलेटेड टैग जो है वो नज़र आएंगे। ये टैग्स आपने जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर देने हैं या फिर आप सिंपली देख के लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे रिलेटेड टैग जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। ये देखें एक और जो है वो गिग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके भी नीचे जो है वो आपको टैग नज़र आ जाएंगे, लोगों के रिव्यूज़ के बाद आपको यहाँ पर टैग नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टैग आपने लिख लेने हैं, सिंपल आपने जो है वो टाइप करके एंटर दबाना है, उसके बाद अगला टैग लिखना है, फिर वो टाइप करके एंटर दबा देना है, इस तरह ये टैग ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। तो
ये टैग लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आपको अपने स्किल्स को वेरीफाई करना होता है, ये कुछ ऑप्शन देता है, कुछ टेस्ट लेता है, उसके हिसाब से आपको वो टेस्ट देना पड़ता है गिग बनाते वक्त कि आया आप वाकई में इस काबिल हैं या नहीं। ये सिर्फ कुछ ही कैटेगरीज में होता है, तो आने वाले वक्तों में जो है वो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पर हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास नए ऑप्शन खुल चुके हैं। अब यहाँ पर आप जो है वो ऑफ़र पैकेजेस कर सकते हैं अगर आप पैकेजेस करना चाह रहे हैं, वरना आप इसे बंद भी कर सकते हैं। आपको एक ही प्राइस जो है वो शो होगी, या फिर आप पैकेज देना चाह रहे हैं तो पैकेजेस भी दे सकते हैं। अमूमन जो है वो पैकेजेस दिए जाते हैं अपनी सर्विस के, मतलब बेसिक, स्टैंडर्ड और मीडियम, तीन कैटेगरी के ऊपर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपने पैकेज का नाम सेलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके बाद उसका टाइम और प्राइसिंग वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं। और सिंपलीफाई करने के लिए आपने सिंपल जो गिग्स खोली थी उन्हीं को आपने कॉपी कर लेना है। ये देखें, सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मगर आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने उसके अंदर चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, इसको आपने जब इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह आपने अपनी गिग को जो है वो डिज़ाइन करना है, अपने पेमेंट शेड्यूल को डिज़ाइन करना है। यहाँ पर जैसे जो है वो बेसिक के अंदर रेट अलग हैं और उसके अंदर कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, अब यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर अलग चीज़ें दी जा रही हैं, मज़ीद चीज़ें दी गई हैं, प्रीमियम के अंदर और मज़ीद चीज़ें दी गई हैं, रेट भी उसी हिसाब से जो है वो बढ़ाए गए हैं। अच्छा जी, नीचे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर और सर्विसेज, यानी कि आप इस पहले पैकेज के अंदर क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्टिंग की ऑफ़र कर रहा हूं तो पहले कैटेगरी के अंदर मैं 50 लिस्टिंग कर दूंगा, दूसरी कैटेगरी के अंदर जो है मैं जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो 100 कर दूँगा, सही है, इसी तरह तीसरी के अंदर मज़ीद कर दूँगा, इसी तरह जो है वो। और नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जैसे रिसर्च है या और ऑप्शन हम क्या क्या दे सकते हैं। जो आपकी कैटेगरी होगी जाहिर सी बात है आप उसमें पता होगा, अगर आप SEO कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हैं, हम इसके अंदर थंबनेल भी दे सकते हैं या कोई और भी चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसी तरह जो है वो आपने अपनी प्राइसिंग के हवाले से पैकेजेस के अंदर वो चीज़ें सेलेक्ट करनी हैं। और आप जिस भी हवाले से देखें यहाँ पर भी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं कॉपी कर देता हूँ। अब जो हम कॉपी कर रहे थे क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं तो वो ज़्यादा दे सकते हैं, अभी आपका स्टार्ट है तो आप अपने हिसाब से सर्विसेज देंगे। यहाँ पर देखें, मैंने लिखा है कि मैं बेसिक के अंदर जो है वो 10 प्रोडक्ट दूंगा, इसके अलावा स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो मैं 20 प्रोडक्ट दूंगा, और जो प्रीमियम है उसके अंदर मैं 50 प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है, और उसी हिसाब से जो है वो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी बना ली है, उसके अंदर भी मैंने यही चीज़ें लिख ली हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है हमने इसकी, आप वही कॉपी पेस्ट करके उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप कर सकते हैं वही आपने लिखनी है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी और की चीज़ें देखी और धड़ाधड़ जो है ना वही चीज़ें जो है वो छाप दी या वही रेट छाप दी, रेट भी आपने कम रखने हैं और वही चीज़ें लिखनी है जो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने नंबर ऑफ़ डेज सेलेक्ट करने हैं, पहले बेसिक के अंदर जो है वो हम 2 दिन के अंदर इनको दे देंगे 10 प्रोडक्ट, उसके बाद स्टैंडर्ड के अंदर जो है हम 4 दिन के अंदर हम इनको दे देंगे 20 प्रोडक्ट, और प्रीमियम में हम 6 दिन के अंदर इनको दे देंगे 50 प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा जी, हम बाद में जो है वो मज़ीद एक ऑप्शन आता है, आप अर्जेंट के ऊपर भी जो है वो इनको डेज कम कर सकते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो जाहिर सी बात है हमने करनी ही पड़ेगी, तो हम ये तीनों के अंदर जो है वो ये ऑप्शन दे देते हैं। बाज इसके अंदर जो ऑप्शन है वही चीज़ें आपने टेक करनी हैं जो आपको आती हों, ये ऑप्शन तो बहुत सारे देगा, जो नहीं आती आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ों को हम जो है वो प्रायोरिटी देंगे, मतलब कुछ चीज़ों को हम बेसिक के अंदर रखेंगे, जो बेसिक के अंदर रखेंगे ओबियसली वो हमारे स्टैंडर्ड में भी होगा और प्रीमियम में भी होगा, इसी तरह कुछ चीज़ें जो है वो हम बेसिक में नहीं रखेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड और प्रीमियम में रखेंगे, और कुछ चीज़ें इसी तरह हम बेसिक में भी नहीं रखेंगे, स्टैंडर्ड में भी नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में रखेंगे।
अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो कुछ टिक जो है वो सिर्फ प्रीमियम में करे हैं, कुछ बेसिक में करे हैं, कुछ स्टैंडर्ड में करे हैं। अच्छा जी, अब प्राइसिंग के हवाले से बात की जाए, अच्छा ये चीज़ें भी जो है वो आप जो आपने प्रोफाइल्स खोली हुई हैं, जो गिग्स आपने खोली हुई हैं, उनमें से भी थोड़ा सा ये आइडिया आप ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने क्लिक करनी है। किसी भी चीज़ को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप गूगल करके उस का जो है वो पता कर सकते हैं कि ये सर्विसेज क्या है, ये ऑप्शन क्या है। इन केस आपकी कैटेगरी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको वेडिंग उसकी समझ में ना आ रही हो, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आते हैं इनकी प्राइसिंग की। यहाँ पर हमने जो है वो क्लिक कर दिए हैं सारे, मेरे ख्याल में इतने काफ़ी होंगे। अब प्राइसिंग की बात आती है तो हम इसके अंदर 5 की फिगर के अंदर प्राइस कर सकते हैं, यानी कि 5, 10, 15, 20 इस तरह जो है वो 11, 12 इस तरह नहीं कर सकते। तो सिंपल हम जो है वो पहले में लिख देते हैं 10 प्रोडक्ट के हम $10 लिख देते हैं, फिर $20 और फिर $40। अब यहाँ पर आती है एडिशनल डेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2 दिन, 4 दिन और 6 दिन हमने जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करे थे। अब यहाँ पर हम मज़ीद एक और ऑप्शन ये देता है, ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जो है वो ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। अब देखें एक्स्ट्रा सर्विस के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, मगर इस गिग के अंदर जो है वो हम जल्दी डे जो है वो मतलब अपनी डिलीवरी जो है वो जल्दी देने के लिए इनसे पैसों की डिमांड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने बेसिक को जो है वो रखा है 2 दिन में, कि हम 2 दिन के अंदर जो है वो आपको अपना बेसिक पैकेज जो है वो हम दे रहे हैं, तो जिस पैसों में भी हम ऑफ़र कर रहे हैं वो तो हम लेंगे ही, इसके अलावा जो है वो हम फॉर एग्जांपल $5 और लेंगे अगर आप इसे एक ही दिन में मांगना चाह रहे हैं। इसी तरह बेसिक स्टैंडर्ड के अंदर अगर हम उसे 4 दिन में दे रहे हैं तो अगर आप उसे 3 दिन में मांगना चाह रहे हैं, अर्जेंट है आपके लिए, तो हम उसे आपको 3 दिन में भी दे देंगे। पर डे जो है वो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड के ₹10 चार्ज करेंगे और इसी तरह ₹20 चार्ज करेंगे हम प्रीमियम के। और भी चीज़ें हैं जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये देखें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी यहाँ पर आ गया। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा था सिर्फ डिलीवरी ही नहीं, और भी चीज़ें, जैसे क्लाइंट बोलता है कि भाई और भी कोई काम है जो कि रिलेटेड है, आप उसको इस तरह भी कर दीजिए, उस तरह भी कर दीजिए, जो आपने बोला वो डिलीवर करने के बाद अगर क्लाइंट जो है उसके अंदर एडिशन करता है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मांगता है, तो उसके भी आप यहाँ पर चार्जेज जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं, यहाँ पर दिन सेलेक्ट कर देते हैं, आपको समझाने के लिए जो है वो मैंने ऊपर वाला भी कर दिया है, ठीक है, और हमने नीचे वाला भी कर दिया है, 4 दिन, 6 दिन, 20 और 50। अब $10 जो है वो हम 2 दिन इनको जल्दी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 4 दिन का काम है, अगर आप वो 4 दिन का काम 2 दिन में कराना चाह रहे हैं तो आप $10 ऊपर दे दीजिए। इसी तरह अगर 2 दिन का काम है 1 दिन में कराना चाह रहे हैं $5 ऊपर दे दीजिए। इसी तरह आप 6 दिन का काम 3 दिन में कराना चाह रहे हैं तो $20 ऊपर दे दीजिए। इसी तरह इसके अंदर और भी ऑप्शन आते हैं, अदर मैनेजमेंट और कस्टमर असिस्ट और बाकी और चीज़ें। तो आप अगर ऐसी गिग बना रहे हैं जिसके अंदर आपके ये अप्लाई चीज़ें हो सकती हैं तो फिर आप इन चीज़ों को अप्लाई ज़रूर करें। अच्छा, इसका भी आइडिया जो है वो आप, जैसे मैंने आपको बताया ये किसी और की गिग खुली हुई है, तो इसका भी आइडिया जो है वो आप किसी टॉप रेटेड सेलर की गिग को खोल के उसमें से कर सकते हैं, या जिसने सेल करी हुई हो ऐसी ही गिग को कॉपी करें जिनके पास ऑर्डर वो जो कंप्लीट कर चुके हों, उसी में से आपने चीज़ों को डेटा को निकाल के अपनी गिग के अंदर अप्लाई करना है। अच्छा जी, इसके बाद बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन की और FAQs की, ये भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन का बहुत ही आसान तरीका है, आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेनी है, सिंपल आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, मगर प्रोफेशनल लुक को उसको देने के लिए जो है वो आप किसी प्रोफेशनल की गिग में से उसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपने उसकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना, बल्कि गिग के डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और उसके अंदर जो है वो कुछ चेंजिंग करके आप उसे अप्लाई
कर सकते हैं। एक और चीज़ का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है, बहुत से लोग जो है वो मल्टीपल सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो आपने मल्टीपल सर्विस पे नहीं देना। अब यहाँ पर देखें नीचे जो है वो उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन थी और ये अबाउट दिस गिग, यानी कि इस गिग की डिस्क्रिप्शन है। अब इसके अंदर जो है वो ये मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत से लोग एडवांस सर्विसेज दे रहे होते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो आपने इनकी गिग में से सिर्फ वही चीज़ें कॉपी करनी है जो चीज़ें जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं या आप दे सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं दे सकते वो उन चीज़ों को आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन नहीं करना, ठीक है, वरना बाद में जो है वो आपको मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा जी, सिंपल जो है वो मैं देख लेता हूँ कि क्या यहाँ इसमें से जो है वो पार्ट मुझे कॉपी करना है, वो पार्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो है वो मज़ीद मुझे अगर कोई चीज़ इसके अंदर कॉपी पेस्ट करनी होगी तो वो भी मैं कर दूंगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी कॉपी करके, मतलब डिस्क्रिप्शन जो है वो किसी और की कॉपी करके उसके अंदर नाम वगैरह अपना चेंज कर देना है आपने। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप चैट GPT का जो है वो हेल्प ले सकते हैं, उसके ऊपर लेके उसे रीराइट करने को कह सकते हैं, तो वो आपको रीराइट करके एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप रीफ्रेश का एक ऑप्शन है हमारे पास, मतलब आप गूगल के ऊपर जाके रीफ्रेश लिखेंगे तो आपको जो पहला लिंक आएगा जब आप वो खोलेंगे तो आपके पास उस लिंक के बाद एक पेज खुलेगा, उसके ऊपर जो है वो एक साइड के ऊपर फ्रेज लिखा हुआ होगा, एक साइड के ऊपर रीफ्रेज, यानी कि एक साइड के ऊपर जो है वो आप इसका कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो उसको रीफ्रेज करके जनरेट करके दे देगा, तो उससे जो है वो सिमिलर नहीं होगी, आपकी गिग जो है वो चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्रोडक्ट की, मगर उसकी SEO डिस्क्रिप्शन हमने नहीं लिखनी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे तो यहाँ पर हम SEO काट देंगे। इसी तरह जो है वो अपने चीज़ों को देख के मॉडिफाई कर देना है उस हिसाब से। चलिए भाई नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा सा हम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने जो है वो कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, जिसका आंसर भी हमने देना है, यानी कि बायर के लिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसका आंसर भी हमने नीचे दे देना है। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है डू यू डू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रिसर्च, यानी कि क्या आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, तो उसका आंसर भी मैं दूंगा। ये आपने जहन लगाना है कि आपका बायर आपसे क्या पूछ सकता है और आप गूगल से भी इसकी मदद ले सकते हैं। सिंपली आप जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है आप उसके ऊपर सवाल कर दें गूगल को, तो वो आपको सवालात बना के दे देगा, ठीक है। यस आई विल डू, आप कोई भी सवाल जवाब जो है वो इजी सा अपने तौर पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको आप बढ़ा सकते हैं आपकी फर्स्ट गिग है, तो आप ज़्यादा सवाल जवाब की तरफ ना जाएं, एक आध सवाल तो कंपलसरी आपने लिखना ही है, तो उस तरह आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये देखें आप गूगल के ऊपर भी जो है वो आप इसको सर्च कर सकते हैं और आपको उसके, ये देखें ऐसे FAQs आपको मिल जाएंगे आंसर के साथ, जो भी स्टेपल आपको लगे आप वो सिलेक्ट करके यहाँ पर आंसर में उसका आंसर पेस्ट कर दीजिए और सिंपल जो है वो इसको ऐड कर दीजिए तो ये ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो है वो ये बोल रहा है कि ऐड अ क्वेश्चन, आप अपना भी जो है वो क्वेश्चन रिक्वायर्ड कर सकते हैं, कोई चीज़ रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं मतलब बायर से, तो हम यहाँ पर उसी हिसाब से कोई भी अपनी क्वेश्चन जो है वो रख लेते हैं। जब कस्टमर हमें ऑर्डर देता है तो फिर ये सवाल जो है वो उसके पास जाएगा, तो हमने जो है वो थैंक यू टू ऑर्डर, सबसे पहले तो थैंक यू करना है। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी द स्टोर एंड इंडस्ट्री, यानी कि आप जिस स्टोर के ऊपर काम करवाना चाह रहे हैं और वो किस इंडस्ट्री से है, क्लोथिंग है, कॉस्मेटिक है या कोई भी चीज़ है, तो आप क्या वो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले हमने उससे यही पूछ लेना है, ठीक है, ताकि उसकी तरफ भी हमारा कोई रिस्पांस जाए और वो उसको जो है वो हमने इसको गेट इन अ फॉर्मेट ऑफ, अच्छा जी, फ्री टैक्स के ऊपर जो है वो हमने इसको ऑफर करना है, ठीक है। फाइल वगैरह भी आप अटैच कर सकते हैं और भी ऑप्शन है, मगर सादा रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो है वो हमारी तरफ से कस्टमर को ग्रेडिंग भी हो जाए और हम उससे सवाल भी पूछें, हमारा सवाल जवाब का सिलसिला जितना अच्छा चलेगा उतनी अच्छी तरीके से हम उसको रिक्वायर्ड को समझ पाएंगे कि और उसको उतनी ही अच्छी और कॉन्फिडेंस से हम सप्लाई जो है वो दे सकेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे।
सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हमने क्लिक करा, यहाँ पर हमारे अगला स्टेप आ गया है, गिग का स्टेप है ये, यानी कि हमने गिग की जो पिक्चर है वो हमने यहाँ पर अपलोड करनी है। अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई भी थी, मैं यहाँ पर वो पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। अब बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ पिक्चर बनाने का। अच्छा जी, इसके जो रेशो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है यूट्यूब के थंबनेल जो आता है उनके रेशो से, तो आप यूट्यूब के थंबनेल ही शुरू में जो है वो लगा दीजिए, या फिर आप इसका रेशो गूगल कर सकते हैं कि फाइवर की गिग का क्या रेशो होता है, तो आपको सारा साइज़ बता देगा। एक वीडियो का भी ऑप्शन होता है, आप अपनी वीडियो बना के भी उसके अंदर बता सकते हैं कि भाई मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ये सर्विसेज दे रहा हूँ, या डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हैं कि आपने काम करा हो तो उसका डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं कि ये चीज़ें देखें मैंने इस कस्टमर की, इस क्लाइंट के लिए की हैं, तो ये रहा उसका प्रूफ। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है कि आपने ये गिग बनानी किस तरह है। बहुत आसान तरीका है, आप कैनवा के ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम प्लेट्स मिल जाएंगे, वो टाइम प्लेट्स आपने सिलेक्ट कर लेना है, जिस हवाले से भी आप दे रहे हैं सर्विसेज उसी हवाले से आपने सारा टाइम प्लेट के ऊपर जो है वो उसके ऑप्शन लिखना है और गिग क्रिएट कर लेनी है ऑटोमेटिक। सिर्फ आपने वर्डिंग ही चेंज करनी होगी, बाकी चीज़ें डिज़ाइन वो खुद करके देगा। अच्छा जी, आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है फॉर्म W9। अच्छा जी, इसमें सिंपली आपने जो है वो आप US सिटीज़न हैं या नहीं ये आपने उनको बताना है, आप नहीं है तो आपके ऊपर ये अप्लाई होगा नहीं, तो इस वजह से आपने इसको नो करके सेव कर देना है, यू आर डन। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सनल वेरिफिकेशन, यू आर बिजनेस और पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो हमने वेरीफाई करनी है, इसका भी बहुत आसान तरीका है, ये आप सिंपली कर सकते हैं। अब ये लास्ट स्टेप है, आपने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है, वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज़ माय प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो है वो इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, एक और विंडो खुल गई, यहाँ पर हमें कह रहा है कि इज़ योर बिजनेस, हम बिज़नेस में नहीं जाएंगे क्योंकि वो उसमें और डिटेल मांगेगा। इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करा है हमने, यहाँ पर ये कह रहा है हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर उनको दे देनी है और उसके बाद जो है वो वेरीफाई करना है। मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, सिंपली आपने जो है वो अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और उसके अलावा अपना नंबर जो है वो इसके अंदर फिट करना है, आप किस कंट्री से हैं, कौन से शहर से हैं, अपना एड्रेस और अपना शहर का नाम, सही ना, वो आपने क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें दिख के उसके ऊपर ये आपको विंडो खुल जाएगी, जो आपने नंबर डाला था उस नंबर के ऊपर एक लिंक आएगा, वो लिंक आपने ओपन करना है, वो लिंक ओपन करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गिग जो है वो पब्लिश हो गई है, जिस तरह हमने डिज़ाइन किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमारी इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं। देखिए, बेसिक के अंदर हमारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, कितने सिस्टमेटिक तरीके से लग रहे हैं, प्रीमियम के अंदर जो है वो हमारे पास देखें और ऑप्शन शो हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास शो हो रही हैं। बहुत अच्छी और प्रोफेशनल गिग जो है वो आप इस तरह बना सकते हैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गिग को डिज़ाइन करना बताऊं किस तरह आप बेहतरीन गिग डिज़ाइन कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर एक आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आप बहुत आसान तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।